हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं के अलग अलग त्योहार तथा अलग अलग तिथियां विभाजित हुई है। आज हम बात करेंगे चतुर्थी तिथि की, जैसे विशेष रूप से भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। वैसे तो हर महीने दो चतुर्थी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दूसरी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। लेकिन आज हम बात करेंगे माघ माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की, जो भगवान गणेश को सबसे प्रिय होती है। तिलकुन चतुर्थी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार वरद चतुर्थी 12 फरवरी को शाम 5:45 पर शुरू होगी, जो 13 फरवरी दोपहर 2:40 तक रहेगी। हमारे शास्त्रों में किसी भी तिथि को उदिया समय अनुसार ही मनाया जाता है। इस प्रकार से तिलकुन चतुर्थी 13 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। तिलकुन चतुर्थी क्या है? हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि हर महीने में दो बार आती है। हमारे धर्म में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और इन्हीं दोनों पक्षों की एक एक चतुर्थी तिथि हर महीने आती है। वैसे तो सभी चतुर्थी तिथि का अपना ही अलग महत्व होता है, लेकिन माघ मास के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी दोनों का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को सबसे प्रिय होती है, और जनमानस की चतुर्थी तिथि को विनायक की चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, और माघ मास की चतुर्थी को तिलकुन चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी भक्त लोग भगवान गणेश को पूजन में तिल और कुंड के फूल का उपयोग करते हैं। माघ मास की चतुर्थी तिथि को सभी लोगों के द्वारा भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा की जाती है, जिसका अपना ही एक अलग महत्व माना गया है। हालांकि माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जयंती के रूप में भी मानते हैं। इस दिन तिल के बानी व्यंजन का भी सेवन किया जाता है, और इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हालांकि कई जगह इसे वरद चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, और दक्षिण भारत की मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, जिसे गणेश जयंती के नाम से भी जाना जाता है। आगे और जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें।